मैया कहती है, माँ मुझे स्वप्न में आदेश हुआ है, इसलिए अब हम तो तपस्या करेंगी। माँ कहती है, तपस्या से क्या होता है? तो पार्वती मैया ने नारायण, यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो तपस्या करी उसका वर्णन किया। और पार्वती मैया कहती है कि सुनो माँ, तप बल रचई प्रपंचो विधाता, तप बल वृष्णु सकल जग त्राता। माँ इस तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी रचते हैं, विष्णु जी पालते हैं, शंकर जी संहार करते हैं, और तपस्या के बल से ही शेष भगवान इस धरती का भार सह रहे हैं। ऐसा कहकर के पार्वती माँ तो नारायण तपस्या करने के लिए चली गई और बहुत कठिन तपस्या करी। अब पूरा वर्णन तो यहाँ करेंगे नहीं, उन्होंने कैसे तपस्या करी। जब नारायण इनकी तपस्या का काल पूरा हुआ तब आकाशवाणी हुई कि भयहु मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी परिहर दुसह कलेश सब, अब मिलही त्रिपुरारी। अब आपको त्रिपुरारी मिलेंगे, आपका संकल्प पूरा हुआ। जब नारायण ये आकाशवाणी हुई तब इधर हमारे प्रभु श्री राम चलते हैं भगवान शंकर के पास और जा करके कहा कि भोलेनाथ आपको प्रणाम है। भोलेनाथ ने कहा कि हमें काहे को प्रणाम करते हो, हम आपको प्रणाम करते हैं। दोनों इष्ट हैं एक दूसरे के, राम के इष्ट शिवजी हैं, शिवजी के इष्ट राम जी हैं। तो कहा कि हमारी एक इच्छा है, आप उस इच्छा को पूरा करो। भगवान शंकर ने कहा कि राघव आप इच्छा नहीं, आप आज्ञा करिए। कहा कि हम जो कहेंगे आप मानोगे? बोले आप बताओ तो सही। तो बोले हम आपको एक कथा सुनाने आए हैं। बोले आप कब से वक्ता बन गए, आप कब से कथाएं सुनाने लगे? बोले जब से एक अवतार हुआ है तब से हम कथा सुनाने लग गए। बोले अवतार किसका हुआ? तब यहाँ पर हमारे राघव ने संपूर्ण चरित्र पार्वती माँ का श्रवण कराया कि इन्होंने कैसे कैसे तपस्या करी है। राम जी ने कहा कि हमारी एक इच्छा है कि आप पार्वती जी के साथ विवाह कर लीजिए। भोलेनाथ ने कहा कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो हम नहीं करेंगे, आपकी जैसी आज्ञा होगी हम काम वैसा ही करेंगे। आश्वासन दे दिया, राम जी चले गए। अब शंकर जी ने मन में विचार किया कि पार्वती ने मेरे राम जी की परीक्षा ली थी, जब वो सती थी तब उन्होंने मेरे राम जी की परीक्षा ली थी, अब दोबारा उनसे विवाह करने के लिए हम भी पहले उनकी परीक्षा लेंगे, हम भी लेंगे। परीक्षा लेने के लिए इन्होंने नारायण जो सप्त ऋषि थे, भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को भेजा। ये सात ऋषि गए और देखा कि माँ ध्यानस्थ बैठी है, प्रणाम किया तो नेत्र खुले और कहा कि हे देवी आप ये तपस्या क्यों कर रही हैं, आपको क्या चाहिए, क्या पाना है इस तपस्या से? तो पार्वती मैया ने कहा कि हम एक किसी ऐसे से विवाह करना चाहती हैं जिनके हृदय में प्रेम ही नहीं है। बोले उससे क्या मिलेगा? बोले हम जल पर एक दीवाल बनाना चाहती हैं, हम बिना पंख के इस आकाश में उड़ना चाहती हैं, यानी हम असंभव को संभव करना चाहती हैं। इन्होंने कहा बताइए तो सही, चाहती क्या है? तो कहा कि हम विवाह करना चाहती हैं भगवान शंकर से। सप्त ऋषियों ने कहा कि ये आपको किसने पढ़ा दिया? बोले कि हमारे गुरु की आज्ञा है। तो बोले कि आपके गुरु जी हैं कौन? बोले हमारे गुरु नारद जी महाराज हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, वो तन साधु और मन कपटी, मन कपटी तन सज्जन चीना।
अरे वो नारद जी आपका विवाह कराना चाहते हैं जिनका खुद का विवाह नहीं हुआ, कहाँ आप किसके चक्कर में पड़ गई। इन्होंने कहा कि देखिए हमारे गुरु के लिए कुछ मत कहिए, हमारे गुरु ने अगर कहा है कि हमारा विवाह भगवान शंकर से होगा तो निश्चित होगा। इन्होंने कहा देखो भाई आपको विवाह तो करना है, एक काम करिए, क्या उन भगवान शंकर के पास तो अपना खुद का घर ही नहीं है, क्या उनसे विवाह करना जो पहाड़ों पर रह रहे हैं, हम आपका विवाह करा देते हैं विष्णु भगवान के साथ, बताइए। तो पार्वती मैया ने कहा कि सुनो, जन्म कौटी लगी रगर हमारी, बरूंगी शंभुनत रहूंगी कुमारी। सुनिए आप एक जन्म की बात कर रहे हैं, जन्म कौटी लगी, अरे करोड़ों जन्मों की प्रीति है, तुमने समझ क्या रखा है। और एक बात और सुन लीजिए, ये तो आप कह रहे हैं ना कि भगवान शंकर से विवाह का संकल्प छोड़ दो, सुनो अगर स्वयं भगवान शंकर भी आकर के ये कह दें कि पार्वती मुझसे विवाह करने का संकल्प छोड़ दो, तब भी हम ये संकल्प छोड़ने वाली नहीं है। और एक बार नहीं 100 बार शंकर अगर आकर के कह दें तब भी हम ये संकल्प छोड़ने वाली है नहीं। कहा कि आपने क्या इस प्रीत को कच्ची समझा है। उन सप्त ऋषियों ने कहा कि वारी वा मां, अब पता चल गया कि सच में आप हिमालय की बेटी हैं। जैसे हिमालय पर्वत है और पर्वत पर नारायण अगर किसी का नाम लिख जाए, कोई रगड़ पर्वत पर लग जाए तो वो कभी मिटती नहीं है, आज हम बिल्कुल मान गए कि आप उन्हीं हिमालय की बेटी हैं, आपका संकल्प भी दृढ़ है। और परा अम्बा जगदम्बा को प्रणाम करके नारायण ये सप्त ऋषि तो चले गए। अब कहते हैं इधर इसी समय नारायण एक असुर ने हाहाकार मचाया, जिस असुर का नाम था ताड़कासुर। इसने ब्रह्मा जी महाराज की तपस्या करी और ये वरदान पाया कि अगर मुझे कोई मार सके तो वो केवल और केवल भगवान शंकर का पुत्र मारे, क्योंकि इसको पता था शंकर जी दोबारा विवाह नहीं करेंगे। इसको लगता था एक बार विवाह करके इंसान इतना दुखी होता है, दोबारा कौन चक्कर में पड़ेगा, तो ये बात तो पक्की है कि शिव जी दोबारा शादी करेंगे नहीं, इसीलिए इसने ऐसा वरदान मांगा कि शंकर के पुत्र से मरो, वो दोबारा शादी के मूड में है नहीं और पुत्र होगा नहीं और मैं अमर हो जाऊंगा। परंतु इसको थोड़ी पता था शंकर जी दोबारा भी तैयार हैं, तैयार बैठे। ताड़कासुर ने हाहाकार मचाया। अब इधर भगवान शंकर समाधि में बैठे थे, सबने कहा कि शंकर जी को मनाएंगे विवाह के लिए, समाधि तो खोले। तब तक नारायण इन्होंने काम देवता को भेजा, काम देवता आए 5 बाण लेकर के, परंतु भगवान शंकर ने नारायण जैसे ही अपना तृतीय नेत्र खोला तो सामने जो काम था वो जल करके राख हो गया। पत्नी रोती हुई आई रति, भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में ये कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बनेंगे और रति तुम ही मायावती बनोगी और फिर इनके साथ तुम्हारा विवाह होगा। याद रखना नारायण कि काम जब भी जलेगा हमेशा तृतीय नेत्र से ही जलेगा। तृतीय नेत्र का अभिप्राय है विचार का नेत्र, विवेक का नेत्र। हर कार्य से पहले किसी भी कार्य के परिणाम पर विचार करिए। कामदेव जल गया।